ये देख सकते हैं कैसे इसे खाना घुटाया जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। पर मेरा फोन फूटता तो हम 3 दिन तक खाना नहीं खाते। जैसे जैसे ये कर रहे हैं वैसे कर रहा है गिरिजी। क्यों मुझे वो ये देखो ऐसे करो ये कर रहा है ये बाबा। और अभी हम लोग जा रहे हैं यही चेक करने की फोन का पीछे का ग्लास हो, वो पूरा एकदम चुन्नी चुन्नी उड़ गया है। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल स्टोर। Hey guys, तो बज रहे हैं 2 और इस टाइम अभी ये खाना खा रही है मोबाइल फोड़ने के बाद। ये देख सकते हैं कैसे इसे खाना घुटाया जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। पर मेरा फोन फूटता तो हम 3 दिन तक खाना नहीं खाते। हद है ना। अभी शिवांश पापा की कॉपी कर रहा है। कॉपी करिए और लेफ्ट राइट करिए, लेफ्ट राइट। जैसे ये कर रहे हैं वैसे कर रहा है गिरिजी। क्यों मुझे वो ये देखो ऐसे करो एक कर रहा है वो भी कर रहा है तीन बैठ के सूट के करो कर रहा है। मम्मी जैसे जैसे ये कर रहा है ना वैसे वैसे ये भी कर रहा है। मम्मी उठ के बैठो ये बाबा। अब हो गया, अब शूज पहना देते हैं। कहाँ गया शूज मम्मी बुआ? इधर चल चुकी है 2:30-3 बजे। अभी जाके धूप निकला है फिलहाल, वहाँ हो रहा है रूम लॉक एंड इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी मॉल। मॉल जाने का रीजन तो आपको पता है ना, क्यों जा रहे हैं? सुबह नुकसान हो गया, जाना है आईफोन के लिए पता करना है। और मम्मी एक बार साड़ी दिखाइए, और ये मम्मी ने आज न्यू साड़ी पहना है, 500 रुपये। बहुत ही सुंदर कलर है ये, इसका ऊपर वाला ग्रीन कलर है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ मतलब अच्छा है। 5 साल पे मम्मी ने पहना है, 5 साल तक मम्मी नया साड़ी रखी हुई थी। उसका दिन नहीं बन रहा था कि कब पहने कब नहीं पहने। गर्मी में गर्मी लगता है। हाँ गर्मी में सिंथेटिक में गर्मी लगता है ना। और ये शिवांश रणवीर सारे लोग चले गए हैं कार में। और आज का दिन बहुत ही बुरा रहा, मॉर्निंग से ही मेरा फ़ोन टूट गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं यही चेक करने की फ़ोन का पीछे का ग्लास हो, वो पूरा एकदम चुन्नी चुन्नी उड़ गया है। चलो जल्दी। तो हम लोग आगे और आई लव पंजाब वहाँ पे लिखा हुआ है, चंडीगढ़ लिखा हुआ था ना पहले। तो हम लोग आई लव चंडीगढ़ कहाँ फोटो खिंचवाए थे, यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ पे। इलांते में खिंचवाए थे, इलांते में। हमेशा डिग्गी चेक होता है यहाँ पे ना, जो नियम। चलिए आप सोच रहे थे कि साल उतार दे, गर्मी लगेगा। नहीं ठंडा अंदर नहीं लगेगा, मॉल के अंदर अभी बाहर ठंडा लग रहा है। साथ ही चलिएगा ठीक से, चल ठीक से पढ़ रखिए। हाँ सबसे पहले एप्पल चल रहा है, मेनली वही काम है। तो हाँ इधर सामने। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल स्टोर। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं एप्पल स्टोर और अभी हमें ये चेक करना है कि हमारे फ़ोन का क्या वैल्यू लगने वाला है। एक तो हमारे पास आईफोन 11 है और एक हमारे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो फूट गया है। तो अभी हम पता करने वाले हैं। बैग की कॉस्ट कितनी आ गई? फ्रंट भी टूटा, सिर्फ बैग नहीं, बैग टूटा। हे फैमिली, तो फोन हमने वहाँ पे देखा एप्पल स्टोर में और मेरे फोन का दाम लग रहा है 20,000। मतलब 1.5 लाख का फोन लेके टूटने के बाद 20,000 का फोन। इसका दाम पता कितना लगाया? 20,000। इसका 30,000। मैं एक मिनट अंदर ही हूँ। हाँ ठीक, आ जा करवा लो। नहीं इसको देना जरूरी नहीं, एक्सचेंज करना, लॉस है, बहुत लॉस है मम्मी। हाँ,
और इससे काम तो चल ही, जब तक काम चलेगा तब तक चलाएगा। तो यही सीन है, हम लोग आए थे यहाँ पे एप्पल स्टोर में और इस फोन का उन्होंने बोला कि ये तो पहला बात ये एक्सचेंज होगा नहीं, ये डायरेक्ट रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस में इसका वैल्यू 20,000 रुपए लगाएंगे और मेरा जो 11 है बनवाने में 50 प्लस बनवाना बेकार है, वही 50-60 हज़ार लगा के। ऐसे ही देखो, ऐसे पता नहीं चल रहा, ऐसे भी यूज हो सकता है, लेकिन गड़बड़ हो गया। इतना अच्छा फोन को तुमने चखना शुरू कर दिया। बेटा ने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा। कोई देखने गया मम्मी बेटा थोड़ा कि तू खुद तोड़ के बेटा कर। हे गाइस, तो बहुत बड़ा पंगा हो गया और मॉल में, मतलब आईफोन का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैक कवर का उन्होंने दाम इतना रखा क्यों है। सिंपली एक ग्लास है और उसका कॉस्ट इतना ज्यादा। ऊपर एक बार बुआ को ट्रेन घुमा देते हैं फिर चलते हैं। अरे यार नहीं चल रहा है तो मम्मी तो खुश हो जाएगी। तो हे गाइस, तो इतना ज़्यादा दाम है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि एक्सचेंज करूँ ना करूँ। 12 में तो साफ पूरा लॉस ही लॉस है, 11 में मुझे थोड़ा फ़ायदा लग रहा है कि चलो 30,000 वैल्यू लगा रहे हैं और 30,000 तब भी ठीक है। हे गाइस, तो अभी जो हम शूट कर रहे हैं ना 12 से कर रहे हैं, जो फ़ोन फूट गया है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है बट हाँ फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रेन पे जाएगा, ट्रेन पे उस आज बंद है, आज उस गाड़ी पे ले चलते हैं उसको। इसीलिए तो शिवांश ने अभी लिया है ये बैट एंड बॉल 150 का, अच्छा है, पता है बैट अच्छा है वीर, बैट बहुत मजबूत है, इस बैट से पीट भी सकते हैं तुमको हम। हाँ। इतना मन करेगा पटकेगा नहीं। अरे मम्मी बाहर तो लग रहा है बर्फ गिर रहा है, मॉल में सही था और बाहर निकलते लग रहा है एकदम बर्फ सा गिर रहा है, बट अभी पता है हंस रहा है। गाड़ी अंदर, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर मॉल घूम लेते हैं, छोटा सा पार्क वहीं है। हे गाइस, तो वी आर मॉल हमने घूम लिया, ये थी पुरानी कार HM एंड हाँ, और ये थी हमारी वी आर मॉल। तो वी आर मॉल घूम के हम लोग जा रहे हैं अभी और शिवांश को देख सकते हैं मम्मा के साथ। हाँ, क्या कवर लगवाना है? कवर लगवाना है मुझे। तो कौन सेक्टर बोले थे, कितना सेक्टर में जाना है? वो तो सेक्टर वहाँ फोन एक्सचेंज के लिए ना, तो फोन करना तो नहीं है ना एक्सचेंज, तो फोन कौन डिसाइड लगाएगा उसका। चलो ही फैमिली, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोगों ने सोचा था कि आज जाएंगे वर्ल्ड पार्क घूमने, बट इतनी ठंड है ना कि अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा, इतनी ठंड है, कब को पाती हुई। मोटा कपड़ा क्या मम्मी? मोटा कपड़ा पहन के आती, टोपी पहन के आती, शॉल साल लोड के आते ना। वैसे मॉल में अंदर तो ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि अंदर तो हीटर चल रहा था, और यहाँ पे हम लोग इधर बाहर आ गए थे कुछ रील्स बनाने के, तो इधर कुछ वीडियो बनाया हमने, उसके बाद इतनी ठंड लगी कि अभी जा रहे हैं। शिवांश देखो ना ऊपर, ये नहीं रहा, ऊपर चला नहीं, हां ये लो, यही था, ये वाला है जीरा राइस पापड़ और ये रेड रेड चिली वाला है, ये लो ले बेटा। हे गाइस, 5 बज चुके हैं एंड शिवांश आ चुका है, हम लोग यहाँ आए हुए थे अभी घूम लिया एंड अभी यहाँ से निकलने की बारी है। मम्मा वो लगा रहे हैं, चलो चलिए ठीक है, प्रणाम, मिलते, अरे बाप रे हम डर गए, मिलते हैं फिर, अब आते वाते नहीं है, हमरा मन नहीं लगता। अरे कल सुनो ना भी, कल आ जाना, कल कल दिन भर वही रहना, चलेंगे कूदेंगे, उसका चलेंगे कहीं घूमने, मन करेगा तो वरना घर में बैठे रहेंगे। घर में बैठे रहेंगे, सोचेगा कि घर में बैठना है तो हम कहलाए। हे फैमिली, तो ये रहा अभी नाश्ता पति देव के लिए, लीजिए पति देव, उठिए ठीक से। कहाँ गई?
आपको चम्मच देते हैं तो हाथ से खाते हैं, इसलिए चम्मच नहीं। हे फैमिली, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी मैं भी बैठी हुई थी आराम से कंबल ओढ़ के, और निकलते ही इतनी ठंड लगी ना कि ये शिवांश वाला टोपी पहन ली और ये शॉल भी ओढ़ लिया। और हम लोग बाहर गए थे घूमने, घूमने क्या गए थे, फ़ोन की वजह से गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं कैप अपनी टोपी लेके नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लगी। और आए उसके बाद से थोड़ी देर बैठे, उसके बाद से अभी जा रही हूँ खाना बनाने, और खाने में सोच रही हूँ कि बिरयानी बना देती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और तो सब्जी और बिरयानी बनेगी अभी।